नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चांदनी। आज की बड़ी खबर, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रति में संविधान की प्रस्तावना का मूल संस्करण था और ये शब्द बाद में संवैधानिक संशोधन के बाद इसमें जोड़े गए थे। उन्होंने कहा यह मूल प्रस्तावना के अनुसार है, संशोधन बाद में किए गए। मामले को गंभीर करार देते हुए चौधरी ने कहा कि शब्दों को बड़ी ही चालाकी से हटा दिया गया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के सरकार की मंशा पर संदेह व्यक्त किया। बसपा नेता तेजस्वी सूर्य ने बसपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की सराहना की और कहा कि जबरदस्त सुधार हुए हैं देश में महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में स्थान। आगे बोलते हुए उन्होंने देश में महिलाओं के उत्थान और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का जिक्र किया। पिछले 9 वर्ष में पीएम मोदी सरकार के महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों की बदौलत महिलाओं की स्थिति में विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से जबरदस्त सुधार देखा गया है। जनधन खाते से लेकर पोषण अभियान और प्रधानमंत्री आवास योजना तक, घर के महिलाओं के नाम पर मकान दिए जाने से लेकर महिलाओं और बच्चों के लिए छात्रवृत्ति के लिए बजट आवंटन बढ़ाने तक, इस सभी इसी इरादे से किए गए थे। बसपा नेता सुशील कुमार मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक का श्रेय लेने के लिए कांग्रेस पर हमला बोला और आरोप लगाया कि अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस ने अपने सहयोगी के दबाव के आगे झुककर विधेयक को समाप्त होने दिया और इसलिए उन्हें इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष को हर अच्छे काम का विरोध नहीं करना चाहिए। महिला आरक्षण बिल सिर्फ नरेंद्र मोदी ही लाए और इसका श्रेय भी उन्हें ही मिलेगी। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा, कांग्रेस 10 साल तक सत्ता में थी, उन्होंने बिल पूरा क्यों नहीं किया? फिर वे अपने सहयोग के ब्लैकमेल के आगे झुक गए और विधेयक को समाप्त होने दिया और इसके लिए सोनिया गांधी और कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदारी ठहराया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वे चर्चा का हिस्सा होंगे और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस की ओर से चर्चा शुरू करेगी और महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने की। इसके बाद जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बसपा सदस्य निशंकांत दुबे का नाम लिया तो कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्य शोर शराबा करने लगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नुआखाई जुहार के अवसर पर दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। नुआखाई जुहार चावल के नए मौसम का स्वागत करने के लिए पश्चिमी ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। नुआखाई दो शब्दों से मिलकर बना है जो नए चावल खाने का प्रतीक है। पश्चिम उड़ीसा में आज धूमधाम से नुआखाई पर्व का पालन किया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यवासियों को शुभकामना दी है। रणनीतिक योजना के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल अभिनयम राय ने कहा कि कनाडा के साथ राजनयिक विवाद का इस सम्मेलन में उसकी सेना की भागीदारी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कनाडा आईपीसीसी यात्रा में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। उन्होंने कहा, इसका हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपको बता दें कि भारत और कनाडा के बीच हमेशा से तनाव भरे संबंध रहे हैं। कश्मीर से लेकर पन्ना परिषद का कनाडा भारत के खिलाफ खड़ा दिखा है। संजय सिंह ने सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किया गए महिला आरक्षण विधेयक को जुमला करार देते हुए इसे महिला बेवकूफ बना वो विधेयक की संज्ञा दी है। उन्हें दावा है कि यह निश्चित रूप से महिला आरक्षण विधेयक नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं तब से उन्होंने जो भी वादे किए तो उनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ। अगर आप विधेयक को लागू करना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी पूरी तरह से साथ खड़ी है, लेकिन इसे 2024 में लागू करें। क्या आपको लगता है कि देश की महिलाएं मूर्ख है? महिला आरक्षण विधेयक में प्रस्तावित किया गया कि आरक्षण 15 साल की अवधि तक जारी रहेगा और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के भीतर एससी और एसटी के लिए कोटा होगा। नए संसद भवन के साथ महिला आरक्षण का मुद्दा गहरा गया है। पहला इस बात पर बहस हो रही थी कि बिल पहले कौन लेकर आया, तो अब इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि इस बिल को लागू कब किया जाएगा। फिलहाल सरकार के पास दोनों के सवालों के जवाब नहीं है। आज सभी राजनेता संसद में महिला आरक्षण बिल पर अपने विचार रख रहे हैं। इसी बीच नई संसद में बॉलीवुड दिवास को भी बुलाया जा रहा है। कल कंगना रनौत और ईशा गुप्ता के नई संसद में देखा गया था। अब फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग की पूरी स्टार कास्ट को संसद में देखा गया है। केंद्र खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उनका स्वागत किया। बाद में इंडियन एथलीट और भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम और एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज और दीपा मलिक और कई अन्य लोगों का संसद में पधारे।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 5 कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है। राज्य में जन आशीर्वाद यात्रा के समापन को चिन्हित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को पार्टी विचारक दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करने वाले हैं। शिवराज सिंह चौहान ने भी एएनआई से बात की और कहा, जन आशीर्वाद यात्रा पूरे उत्साह और जन समर्थन के साथ चल रही है। जनता खुले दिल से बजापा को आशीर्वाद दे रही है। आज मैं केवल जन आशीर्वाद यात्रा के लिए इंदौर आया हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला आरक्षण विधेयक की सराहना की और कहा कि यह जरूरी है। हालांकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एससी एसटी जाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षण होना चाहिए। महिला आरक्षण बिल पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा, महिला आरक्षण जरूरी है और हम शुरू से इसकी मांग कर रहे हैं। वे इसे लागू नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें जो करना था वह करना चाहिए थे। हमने उनसे जाति आधारित जनगणना करने को कहा है और हमने मांग की है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एससी एसटी जाति की महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले खबर के साथ।